हमने कितनी देर की चढ़ाई कर ली होगी? एक किलोमीटर भी नहीं हुई है भाई। 1 किलोमीटर तो हो गई होगी, चढ़ाई है अभी कहीं नहीं हुई है। यार हालत खराब हो गई भाई इतने समय। तो भाई कितने किलोमीटर की चढ़ाई कर ली? 3-4 किलोमीटर कर लिया हमने। 14 किलोमीटर और है भाई केदारनाथ। किलोमीटर तो पागल है क्या? 4 किलोमीटर कम से कम। बाकी भाई हमने 4 किलोमीटर की चढ़ाई कर ली है और आपको आप दिखाता हूँ कैलाश पर्वत। देखो भाई पहाड़ दिखने लग गए। ये पहाड़ अलग है पर वो वाइट वाइट है, बर्फ वाले पहाड़ दिख रहे हैं भाई। और 14 किलोमीटर और है यहाँ से। भाई हालत खराब हो गई, देखो चेहरे से पता लग रहा होगा आपको और मेरे से देख रहे हो भाई साहब। अगर बैग ना हो तो थोड़ा आसान हो, पर बैग भी तो है भाई। और बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, देखो बाबा कष्ट कर रहे हैं हम पे। फिर कोई नहीं, बाबा के दरबार में जाएंगे सब सही होगा। बाकी व्यू तो चेक कर ही सकते हो। खाई गए तो दूर तक नहीं दिखेंगे। आगे जन्नत पीछे खाई। तो दोस्तों फाइनली थोड़ा चढ़ाई करने के बाद फिर दोबारा रुका हूँ मैं। 1 किलोमीटर की दोबारा कर ली, अब 13 किलोमीटर है यहाँ से केदारनाथ। बाकी यहाँ पर कितना प्यारा वाइब झरना दिखा है, ये देखो प्रकृति का झरना। ओए होए, और ये पुल है, ठंडा पानी है। पानी भल्ले ना बोतल में पी लेंगे। भल्ले भल्ले बोतल में, भल्ले बोतल में। अरे यार पीने वाला होता सारा पागल है क्या? बोतल तेरे में पी ले, ले जाने का कोई इशू मत करो भाई। देख सकते हो, देख इन्होंने पाइप जोड़ रखा वहाँ से, देख पाइप जोड़ रखा है क्योंकि पीने वाला पानी वहीं जा रहा है। तो चलिए भाई पानी वानी पीते फिर चलते थोड़ा आगे। कालो के सुमारे ली माई बांधे कोरी बाना, इमलाई हृदय रे ली माई बिताऊंगा जीवन। कालो के सुमारे ली माई बांधे कोरी बाना, इमलाई हृदय रे ली माई बिताऊंगा जीवन। फाइनली हम लोग सिर्फ और सिर्फ बाबा की नगरी से 8 किलोमीटर दूर हैं। 8 किलोमीटर और दूर है भाई, हमने बहुत रास्ता तय कर लिया है। 22 किलोमीटर बता रहे थे, 20-22 किलोमीटर, मतलब मैक्सिमम 10 किलोमीटर हम लोग चल दिया है। और देख सकते हो और सांसों से पता लग रहा होगा भाई ये कितनी खड़ी चढ़ाई है। देख रहे हो भाई वहाँ से आ रहे हैं, बहुत खड़ी चढ़ाई है, हालत ख़राब है। धीरे धीरे अपना सब बैग एक्सचेंज कर रहे हैं और एक्सचेंज कर करके चल रहे हैं भाई। देखो हम लोग वहाँ से आए हैं, मतलब यहाँ से सबसे ज़्यादा खड़ी चढ़ाई स्टार्ट हुई थी यहाँ नीचे से। ठीक है तो बस बने रहो व्लॉग में। और नेट भी नहीं चल रहा, व्लॉग अपलोड नहीं हुआ कल वाला, मुझे बहुत दिक्कत है। बाकी देखते हैं बाबा क्या करवाते हैं हमसे, बस बने रहो। तो भाई सुबह की चढ़ाई करने के बाद फाइनली हम लोग रुक चुके हैं यहाँ पर और अब पराठे और चाय खाएंगे। सब भूखे हैं, हमने खीरा खाया था बस, और वही खीरा खा के चले हुए हैं और सुबह चाय पी थी बस, वही। सबकी हालत डाउन है, यहाँ से सिर्फ 8 किलोमीटर 8.5 किलोमीटर बच रहा होगा, बाकी फिर पहुँच जाएंगे बाबा के पास। बाकी अब खाना वाना खाते, खाना आन दो, पराठे और चाय मंगाए हैं तो आएंगे और हम खा के फिर चढ़ाई चालू कर देंगे। ठीक है तो फाइनली अपने पराठे और चाय आ गए जैसे कि देख सकते हो भाई। तो इसे पी कर निकलते हैं हम लोग फटाफट क्योंकि काफ़ी लेट हो गए हमने, हमें तो लग रहा है सुबह शाम को दर्शन मिलेंगे। बाकी पराठे ये रहे चाय ये रहा, तो फटाफट खाते हैं और फिर चलते हैं। खाना खा के हम लोग चल पड़े थे और खाना खाने के बाद कम से कम आधे घंटे के बाद मैंने व्लॉग को दोबारा कंटिन्यू करा है और देख सकते हो बादल ही बादल गाइस, बहुत थक चुके हैं। और कसम से भाई हमारा एक बंदा जो है हमारे साथ निकला था और वो हमसे पहले पहुँच गया मंदिर के आगे बैठा, हमने वीडियो कॉल करके देखा भी। बाकी तो देख ही सकते हो सब स्ट्रगल कर ही रहे हैं भाई, सबकी हालत खराब है भाई। बस दिक्कत किस चीज़ की? सांस की दिक्कत है हकीकत में, पैर में नहीं थके मेरे, यहाँ पे दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है फट जाएगा छाती। अलग ही एडवेंचर है। जो भी आए ये जरूर लाए। हाँ भाई ये दिखाइयो भाई, ये कपूर लेकर आना भाई, कपूर से ना काफी सांस लेने में मिलती है मदद। ये रवि है ना, रवि के भाई का हो गया था अभी, उसे चक्कर आ उल्टी आ रहे थे तो उसको कपूर सूंघा ना, बिल्कुल चकाचक ठीक हो गया। सूंघने को दिए, नाक में घुसेड़ने को नहीं। भाई सूंघ ही रहा हूँ, नाक में थोड़ा घुसेड़ रहा हूँ यार, ऐसे नहीं बनती। अच्छा चलो यार शॉर्टकट ले ले। तो दोस्तों अभी देख सकते हो ये बिल्कुल कोहरा आ गया 2 मिनट में, अभी रोड से ही आते इसी वाले से 2 मिनट में कोहरा हो गया सिर्फ, अभी हमें 5-6 मिनट लगेंगे 10 मिनट ऊपर आने में
और इतने देर में देखो 2 मिनट में मतलब इतनी जल्दी कोहरा आ गया और देखो मौसम चेंज हो गया। हाँ तब कोहरा ही बादल दोनों सेम ही हो गया। रील तो बना दो भाई, ना स्टार्ट होगा बाकी भाई भाई वो भी सेम थोड़ा सा और दूर रह गया बस, इसलिए उससे हम लोग बाबा के दर्शन जल्दी ही मिलेंगे। कैसे लड़ रहे हो भाई? भाई रील नहीं बना रहे मेरी, देखना कितना अच्छा वेदर है, यहाँ का व्यू देखो यार, ऊपर और अच्छा मिलेगा अभी। देख वहाँ देख, वहाँ देख बंदे खड़े हैं। ठंड लग रही है, कपड़े वपड़े पहन लो। मैं नहीं पहनूंगा भाई, मैं नहीं पहन रहा। ठंड कुछ नहीं लग रही, पता क्या शरीर की गर्मी भी है और ठंड भी है, दोनों हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा बढ़िया कॉम्प्रोमाइज। बाकी शकल में मत जाना भाई, शकल तो बुरी हो गई है क्योंकि 7:30-7 बजे चल रहे हैं और बस चल ही रहे हैं सारे भाई, चल रहे हैं यार ये सब भी हमारे साथ ही चले थे, सब पीछे पीछे बस एक बंदा हमारे से आगे चला गया, हमारा वाला पता नहीं भगवान ने उसको शायद मंदिर के सामने जट बैठा हुआ जैसे कि मैंने बताया था। तो फाइनली दोस्तों काफी मेहनत के बाद सिर्फ और सिर्फ 1.5 किलोमीटर लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर, बाकी तो पता नहीं। ये देख सकते हो 1.5 किलोमीटर रह गया है, यहाँ पर अंकित बैठा है, यहाँ पर सारे बैठे हैं, कुछ आगे चले गए हैं, कुछ पीछे रह गए हैं, कुछ बौछार हो रही है। और भाई हालत जिसे कहते हैं ना मेरी सबसे ज्यादा डाउन है आज, मुझे लग रहा है अब सबसे ज्यादा डाउन है, जैसे ऐसा लग रहा है चेस्ट फट जाएगी भाई, सांस इतनी तेज लेते लेते छातियाँ फट रही हैं, बाकी पता नहीं देखते हैं जो भी है। काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं और बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई, देखो सुबह से मौसम ठीक था, बारिश आएगी चल यार, आकाश पे रेनकोट ये देख सकते हो। चलो भाई 1.5 किलोमीटर और बचा, चलते हैं बाबा की नगरी में। तो भाई केदारनाथ से बस हम 1 किलोमीटर दूर हैं और बारिश स्टार्ट हो गई फिलहाल तो, अभी तेज वाली कोई दिख नहीं रहा होगा यहाँ पर, देखो अंकित वहाँ बैठा है, यहाँ पे अमन बैठा है, दूसरा अमन यहाँ बैठा है और तुम्हारा भाई इधर बैठा है। सबसे ज़्यादा हालत ख़राब शायद मेरी है भाई, ये दर्द कर रहा है भाई मेरा, ये और चेस्ट जब सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की वजह से ही हो रहा शायद ये, बाकी देखते हैं भाई कब तक पहुँचते हैं बाबा की नगरी में। अभी नगरी में तो पहुँच ही चुके हैं, मतलब अभी बाबा के दर्शन नहीं हुए यार। एक तो ये बारिश गलत हो गई हमारे टाइम पे ही, यहाँ पे यही होता भाई, कभी भी मौसम चेंज हो जाता मिनटों में ऐसा चेंज मौसम चेंज होता है। चलिए कोई नहीं, बने रहो ब्लॉग में। तो भाई डंडा गिर गया, तो भाई ये चिट्टे हैं देख सकते हो, अभी हमें वापस करनी है वहाँ पे, इससे ये पता रहेगा कि हम सही सलामत पहुँच गए केदारनाथ तक। बाकी देखते हैं, बाकी सबका हुलिया देख ही सकते हो कैसे है, भूत बने पड़े हैं भाई, थकावट इतनी है, बहुत ज़्यादा थकावट है। बाकी कोई नहीं, सारे भाई लाइन में लगे हुए हैं देख सकते हो, कितने सारे सब लोग यही दे रहे हैं ठीक है, और बारिश पड़ रही है इसलिए रेनकोट हमने पहन लिया है। बाकी चलो जल्दी फटाफट देते हैं इनको और ये फिर चलते हैं बाबा के दर्शन करने। सो फाइनली ऐसे होता है देखो भाई, और यहाँ पे ऐसे निकल जाता है, ये मुझे भी मिल चुका है, मैंने फ़ोन के पीछे रख लिया। चलो जी बाकी तो बढ़िया है सब, कहाँ गए सारे चले। तो भाई फाइनली हम लोगों ने केदारनाथ की यात्रा दोबारा शुरू कर दी है, मतलब एंटर करके भी अंदर कम से कम 2 किलोमीटर होता है, तो वो अभी यात्रा चालू हो गई हमारी। बाकी ये देख सकते हो अंकित सब चल ही रहे हैं, और ये पुल क्रॉस करना है, फिर वहाँ चढ़ के फिर वो पुल क्रॉस करना है। बाकी देख ही सकते हो हालत हमारी, कितनी बारिश हो गई ना भाई, दिक्कत हो गई बारिश से बहुत ज़्यादा, क्योंकि बारिश नहीं होती तो सही रहता, पर बारिश गलत हो गई है। जैसे तैसे हम बाबा के दरबार में पहुँचे कि अच्छा लगा हमें, बाकी हालत ही सही रहता ना भाई, हमें ही पता है कि हमें कैसा लग रहा है यहाँ पर। जैसे तैसे ही पहुँचे सही में, पूरी पैदल यात्रा थी, कोई घोड़ा नहीं लिया, कोई कुछ नहीं लिया, पता नहीं भाई कहाँ से जाना है देख ले। तो भाई यही सीढ़ियाँ हैं जहाँ से सीधा केदारनाथ की साइड जाते हैं, बिल्कुल सामने टक्कर पे केदारनाथ है। बाकी यहाँ पर रूम की बात कर रहे हैं, कहाँ से आए तुम? दिल्ली। हाँ तो दिल्ली NCR का तो सब मेरे पास ठीक है, और सामान सुना काला मार्केट जाओ, मंदिर में घूमने फिरने जाओ। क्या हिसाब किताब है? 12 बजे तक का है, एक रूम 1500 का है। अंकित तो भाग गया यार, चलो अंकल अभी आते हैं फिर देखते हैं।
और ये बारिश की वजह से ही लगा रखा टेंट, और ना ये टेंट लगता नहीं है भाई। वैसे सीढ़ियाँ चढ़ते जाना, सामने बाबा का दरबार है। फाइनली कुछ पलों में हम बाबा के मिल लेंगे। या जुकाम भी हो गया है, छाती फट रही है, पर कोई नहीं, चलने में असमर्थ हैं पर चलेंगे। पैदल यात्रा भाई सुबह 7 बजे से हमने स्टार्ट करी थी, 7:30 बजे से। सोचो भाई इतनी पहाड़ों की चढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत। चलिए बाबा के नज़दीक पहुँचते हैं। बरूरी नहीं कारी।